जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोग ज़्यादातर यही सोचते होंगे कि बोरी क्रिटिकल एडिशन सबसे ऑथेंटिक महाभारत है, परंतु आप गलत हो। अगर आप भी जानना चाहते हो कि सबसे ऑथेंटिक महाभारत कौन सी है, तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम बात करेंगे बोरी क्रिटिकल एडिशन की। महाभारत के अधिकांश लोग यही कहते हैं कि बोरी क्रिटिकल एडिशन सबसे ऑथेंटिक है और इसको ही वेदव्यास जी की महाभारत बताते हैं, जो कि असत्य है। यह वेदव्यास जी की महाभारत नहीं है। व्यास जी की महाभारत तो अब से हजारों वर्ष पहले समाप्त हो गई है। जिसे बोरी या केम जी की महाभारत को हम व्यास जी की महाभारत समझते हैं, वह व्यास जी की नहीं, उनके एक शिष्य की महाभारत है। व्यास जी के उस शिष्य का नाम वैशंपायनी था, जिन्होंने व्यास जी से महाभारत को सुना और राजा जनमेजय से लिखवाया, जो कि अभिमन्यु के पोते थे। जो व्यास जी की महाभारत थी उसमें मात्र 10,000 श्लोक थे, परंतु वैशंपायनी की महाभारत में श्लोकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनकी इस महाभारत के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ हुई और श्लोकों की संख्या 75,000 से 1,00,000 तक पहुंचा दिया गया। तो आप सोच सकते होंगे कि ये महाभारत कितनी ऑथेंटिक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम किस महाभारत की बात कर रहे हैं जो कि बोरी क्रिटिकल एडिशन से भी ज्यादा ऑथेंटिक है। उस महाभारत का नाम है जैमिनी भारता या जैमिनी महाभारत। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं क्यों यह महाभारत सबसे ऑथेंटिक है और हम इसकी इतनी ज्यादा तारीफ क्यों करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। इस महाभारत को वेदव्यास जी के एक अन्य शिष्य ने लिखा था, जिनका नाम जैमिनी था। इस महाभारत को उन्होंने व्यास जी से सुना और अपने शब्दों में लिखा। अब हम आपको बताएंगे कि यह महाभारत वैशंपायनी की महाभारत से ज्यादा ऑथेंटिक क्यों है। पहला कारण है श्लोकों का कविता के रूप में होना, क्योंकि व्यास जी की महाभारत भी कविता के रूप में ही लिखी गई थी, जबकि वैशंपायनी की महाभारत कहानी के रूप में है। दूसरा कारण है श्लोकों की संख्या का कम होना, क्योंकि व्यास जी की महाभारत में 10,000 ही श्लोक थे, परंतु वैशंपायनी की महाभारत में 75,000 से भी ज्यादा श्लोक है। तीसरा कारण किसी भी पात्र की ज्यादा तारीफ न करना, केवल सीधा युद्ध या अन्य घटनाओं का वर्णन करना, जबकि वैशंपायनी की महाभारत में किसी एक पात्र को एक समय तो सर्वश्रेष्ठ दिखा दिया जाता है और दूसरे क्षण उसको काफी कमजोर दिखा दिया जाता है। दिए गए प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैमिनी महाभारत वैशंपायनी की महाभारत से ज्यादा बेटर थी। अब आप यह सोचते होंगे कि जब जैमिनी महाभारत सबसे अच्छी है तो हम इसको क्यों नहीं पढ़ते। उसका एक कारण वो है पुस्तक का पूर्ण न होना। जी हाँ मित्रों, हमारे पास जैमिनी महाभारत का संपूर्ण भाग नहीं है, क्योंकि जब यह महाभारत मिली तो केवल इसका अश्वमेध पर्व ही शेष बचा था। इसके बाकी के भाग समाप्त हो चुके हैं। यही कारण है कि लोग इसको नहीं पढ़ते। अगर यह महाभारत हमारे पास होता तो शायद हमको युद्ध में क्या हुआ या अन्य सभी घटनाओं की सत्य जानकारी मिल पाती, क्योंकि महर्षि वैशंपायनी की महाभारत के साथ काफी ज्यादा छेड़छाड़ हुए। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कौन सी घटना सत्य है और कौन सी असत्य है। लेकिन हम आपको फिर भी ये कहना चाहते हैं, अगर आपको अश्वमेध पर्व ही पढ़ना है तो आप जैमिनी महाभारत से पढ़िए, क्योंकि ये अब तक की वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक महाभारत है जो हमारे पास बची हुई है। तो इसलिए अगर आपको अश्वमेध पर्व पढ़ना हो तो आप जैमिनी महाभारत से पढ़ सकते हैं। तो जाते जाते मित्रों, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप सब भी इस बुक को एक बार जरूर पढ़िए। बहुत अच्छी बुक है, न्यूट्रल बुक है, इसमें किसी भी योद्धा को ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया गया, अच्छे से पूरा महाभारत को बनाया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे रियल में सिनेरियो चल रहा हो, कोई ऐसा नहीं कि किसी भी योद्धा को वहाँ पर सुप्रीम बताया गया। और हाँ, एक खबर हो तो मित्रों, हमको कुछ दिन पहले ओल्ड टाइम चूजा ने ये कहा था कि जैमिनी महाभारत वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसको इसके बारे में पता है। तो मैं उसको साथ ही ओल्ड टाइम चूजा को ये और कहना चाहता हूँ कि अब हमारी जैमिनी महाभारत से 4 से 5 वीडियो आने वाली, अगर वो चाहे तो हमको काउंटर कर सकता है। अगर उसमें सामर्थ्य है तो काउंटर कर सकते हैं। कुछ और यूट्यूब चैनल भी है बड़ बोले, जिनको पता तो कुछ नहीं है, वे बोलते हैं शायद उनको तो जैमिनी महाभारत का पता भी नहीं होगा, क्योंकि यह महाभारत के बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान।